आज के वक्त में हमने मॉडर्न जीवन को अपना लिया है, लेकिन आज भी दुनिया की कई जनजातियां हैं जिनके लिए इंटरनेट और मॉडर्न टूल ये सब एक काला जादू है, और इसलिए वो हमसे बहुत नफरत करते हैं। उनका मानना है कि हम इस दुनिया को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए वो लोग हमें देखकर ही हम पर हमला कर देते हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही 10 आदिवासी जनजातियों से मिलाने वाले हैं जिनके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। नंबर 10, दसलाला ट्राइब। दोस्तों, इस जनजाति के बारे में भी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति था जिनका दोस्त बना और फिर उसी ने सबको बताया कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। इस वक्त इनकी आबादी 300 के करीब है। आज तक बस एक ही व्यक्ति है जो इनसे बात कर पाया है, बाकी सबसे ये अच्छे से बात नहीं करते। अब उस व्यक्ति ने उनका भरोसा कैसे जीता वो तो वही जानता है। इस जनजाति में एक काफी अलग रस्म को मनाया जाता है। ये मरे हुए लोगों पर एक खास तरीके का काला लेप लगाते हैं और फिर उन्हें दफनाते हैं, जिसके चलते उनका शरीर कई सालों के बाद भी काफी अच्छे हालत में रहता है। इनकी और भी कई अलग अलग रस्में हैं, लेकिन इनके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। ये शिकार करने के लिए भाले और तीर का इस्तेमाल करते हैं, और इनके तीर खास तरीके से जहरीले बनाए जाते हैं, और इसका उपयोग ये हमला करने के लिए भी करते हैं। नंबर 9, चिम्बू स्केलेटन। हम जिस आदिवासी जनजाति की बात करने जा रहे हैं उनका नाम चिम्बू जनजाति है। दुनिया के सबसे खतरनाक आदिवासियों में से एक चिम्बू पापुआ न्यू गिनी के चिम्बू इलाके में रहते हैं। इस समुदाय में रहने वाले लोग अपने शरीर को मिट्टी और राख की मदद से इस तरीके से पेंट कर देते हैं जैसे उनका शरीर किसी इंसान का नहीं बल्कि चलता फिरता कंकाल जैसा नजर आता है। दरअसल वो अपने दुश्मनों को खुद से डराने के लिए इस तरीके का रूप धारण करते हैं। 90 के दशक में इनका सामना अंग्रेजों से हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को बुरे तरीके से डर कर भागना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी, जब किसी का सामना इस समुदाय के लोगों से होता है तो लोग इनकी लड़ाई से ज्यादा इनकी शक्ल को देखकर डर जाते हैं। ये लोग आज भी ट्रेडिशनल तरीके से जिंदगी को जीते हैं। ये खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और अपनी जिंदगी बिताते हैं। ये आदिवासी समुदाय पापुआ न्यू गिनी के उस इलाके में पिछले 400 सालों से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 8, मास्को प्यूरो। इन लोगों को कुजारनो भी कहा जाता है। ये लोग हंटर्स हैं। ये अपना पेट भरने के लिए खेती नहीं करते बल्कि शिकार करते हैं। इन लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन ये किसी और से मिलना पसंद नहीं करते। मास्को प्यूरो को बहुत कम देखा गया है और गवर्नमेंट के पास भी इनकी ज्यादा जानकारी नहीं है। ये मॉडर्न लोगों को देखकर उन पे हमला करते हैं, और इनके पास हमला करने की वजह भी है। पहले ये अमेजन के जंगल में हजारों की मात्रा में थे, लेकिन फिर 1894 में कार्लोस फिट्ज़गेराल्ड नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पर्सनल आर्मी टीम के साथ इन पर हमला कर दिया और ऑलमोस्ट सबको मार दिया। फिर जो बचे थे वो जंगल में और अंदर रहने लगे। अब अंदाजे से ही बस 100 से 250 के बीच में होंगे जो बचे हुए हैं, और इसलिए अब ये बाहर के लोगों से नफरत करते हैं। नंबर 7, मर्सी ट्राइब। इनकी भाषा में मर्सी का मतलब चांद होता है। इस जनजाति में करीब 11,000 लोग रहते हैं। ये सब एक साथ तो नहीं रहते, लेकिन ये छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक है और अपने भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं। इनके हिसाब से आसमान में एक रेनबो जैसे कलर का पक्षी उड़ता है और ये इनका भगवान है। ये लोग कई अलग अलग रिचुअल्स भी करते हैं, और ये अब अफ्रीका की इकलौती जनजाति है जिसमें आज तक लिप्स प्लेट पहनना कंपलसरी है। लिप्स प्लेट एक तरह की डिस्क होती है जो कि 15 साल से बड़ी उम्र की लड़कियां अपने लिप्स में पहनती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये लड़की औरत बन चुकी है और शादी व संभोग के लिए सक्षम है। ये मर्दों के बीच हर साल एक लड़ाई की प्रतियोगिता भी होती है। नंबर 6, ओकुंचू ट्राइब। दोस्तों, ये जनजाति ब्राजील के घने जंगलों में रहती है। ये जनजाति खेती भी करती है और साथ में शिकार भी। अब इस जनजाति के बस 4 लोग ही जिंदा है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल इनकी जनजाति में कई लोग थे, लेकिन फिर कुछ व्यापारियों के झुंड ने इन पर हमला कर दिया, जिससे इनके ज्यादातर लोगों को मार दिया गया। व्यापारी यहाँ पर रास्ता बनाना चाहते थे, लेकिन ये अपने घर को टूटते नहीं देख सकते थे। और फिर 7 लोग बचे थे, लेकिन उन 7 में से भी फिर 3 की मौत हो गई, और अब बस ये 4 लोग बचे हैं। ये 4 लोग अपना ख्याल रखते हैं और खुद ही अपने खाने का इंतजाम करते हैं। ये चारों शिकार करने में बहुत ही ज्यादा माहिर हैं, क्योंकि जंगल में सर्वाइव करने के लिए ताकतवर होना जरूरी है, और इसीलिए किसी और से मिलना पसंद नहीं करते। इसलिए आज तक बस एक ही बार अपने बारे में इन्होंने बताया, उसके बाद इन्होंने कभी भी बाहर के इंसान से बात नहीं की। नंबर 5, कोरोवाई ट्राइब।
इस जनजाति में करीब 2000 लोग रहते हैं। इन जनजातियों के लोगों को ये भी नहीं पता था कि इनके अलावा भी कई और लोग हैं। और फिर 1990 में कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर गए थे और तब उन्होंने देखा कि इनके घर पेड़ के ऊपर बने हैं, यानी कि ये ट्री हाउस में रहते हैं। पर आगे जाकर पता चला नहीं, ये ट्री हाउस में नहीं रहते, ट्री हाउस से बस ये एक दूसरे कोरोवाई ट्राइब पर नजर रखते हैं, लेकिन इनका घर फिर भी जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में होता है ताकि इनके दुश्मन कोरवाई ट्राइब इनके बच्चों और महिलाओं पर हमला ना कर दे या उन्हें खा ना जाए। जी आपने सही सुना, यकीन नहीं होता लेकिन ये बात सच है। इन लोगों में इंसानों को खाया जाता है और इसलिए अपने घर को ऊंचा बनाते हैं क्योंकि आपस में लड़ाई चल रही है और अगर इनके बच्चे या औरतें इनके हाथ लग गए तो ये हार जाएंगे और सामने वाले फिर इनके बच्चे और औरतों के साथ क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। नंबर 4, शावनी पीपल। ये आदिवासी समुदाय अमेरिका की ही रहने वाली जनजाति है, लेकिन आज के वक्त में ये लोग अमेरिका से हटकर पेंसिल्वेनिया के इलाके में रहते हैं। इस समुदाय में लोग अपने नेतृत्वकर्ता को चुनने के लिए उसके लड़ाई करने के स्किल और तीरंदाजी के तरीकों को देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, आदिवासी तरीके से रहने वाले लोगों के पास युद्ध के बहुत ही खतरनाक तरीके होते हैं। जब ब्रिटिश लोगों ने इनके जमीन को हथियाना चाहा तो इस आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश सैनिकों को बहुत बुरे तरीके से हराया। बाद में इन लोगों ने अमेरिका के लोगों से भी लड़ाई लड़ी। जब अमेरिका के कैपिटलिस्ट लोग इनकी जमीन को हथियाकर उसका मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे, लेकिन अफसोस ये समुदाय धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये अमेरिका के कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गए हैं। नंबर 3, मडमैन ट्राइब। ये खास तरीके की जनजाति है जो कि अपने मुंह पर मिट्टी के बने हुए मास्क पहनती है। इस जनजाति में बहुत ही ज्यादा कम लोग रहते हैं और ये सब मास्क क्यों पहनते हैं, इसके ऊपर आज भी कई सवाल खड़े हैं। इनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते इसलिए किसी को पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि एक वक्त इस जनजाति के ऊपर हमला हुआ था और तभी एक आदमी ने इनको बचाया था और जब वो आदमी वापस आ रहा था तो वो पूरे तरीके से मिट्टी से भरा हुआ था और उसका मुंह ऐसे लग रहा था, इसीलिए उन्होंने मिट्टी के मास्क बनाकर पहनना शुरू कर दिया। साथ ही ये हाथ में बड़े बड़े नाखून पहनते हैं जो बहुत ही तेज आवाज करते हैं और इस जनजाति में कभी भी महिलाओं को नहीं देखा गया है। ये भी एक सवाल है कि आखिर ये अपने वंश को आगे कैसे बढ़ाते हैं। इन सब सवालों के जवाब किसी को नहीं पता और शायद ही कभी पता चले क्योंकि ये बाहर के लोगों से बात ही नहीं करते। नंबर 2, सिम्बू ट्राइब। पापुआ के इलाके में सिम्बू ट्राइब रहती है। बाकी किसी जनजाति से अलग इनको आबादी की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पापुआ के लोग इन्हें अपने तरीके से रहने देते हैं और इनको भी मॉडर्न सोसाइटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये लोग दो बड़े बड़े झोंपड़ियों में रहते हैं, एक झोंपड़ी में मर्द रहते हैं, दूसरी झोंपड़ी में औरतें और बच्चे, और पिक्स इनके लिए पिक्स ही सब कुछ है। जैसे ही हम पैसों में ट्रेड करते हैं बिल्कुल वैसे ही ये पिक्स में ट्रेड करते हैं, यानी पिक्स इनके पैसे हैं और इनका खाना भी। हर साल सारे सिंह और आसपास के ट्राइब एक साथ रहते हैं और एक बहुत ही बड़ा जश्न मनाते हैं जिसमें करीब 1000 पिक्स को मारा जाता है और फिर इन्हें पकाकर खाया जाता है। यहाँ पर शादी में भी पिक्स ही दिए जाते हैं और पिग्स अक्सर महिलाओं के पास होते हैं क्योंकि आप जानते होंगे पैसे महिला के हाथों में ही जचते हैं। वैसे यहाँ पर मर्द और महिला बस शादी की 2 रात ही आपस में रह सकते हैं, फिर ये रात को अपने अपने झोपड़े में सोते हैं। नंबर 1, मोहावक पीपल। सबसे पहले आपको बता दें, मोहावक बालों की एक बनावट को कहते हैं जिसमें बाल किसी इंसान के सिर पर खड़े झाड़ियों जैसे दिखाई देता है। इससे आदिवासी जनजाति के लोग बालों को इसी तरीके से सजाते हैं। ये वजह है कि इनका नाम मोहावक समुदाय रखा गया। ये आदिवासी जनजाति नॉर्थ अमेरिका की सबसे पहली आदिवासी जनजाति है। ये आदिवासियों का एक ऐसा समूह है जो बंजारे की तरह अपनी जिंदगी बिताते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक भागते रहते हैं। एक वक्त आया जब ये लोग अमेरिका से हटकर कनाडा चले गए, लेकिन उससे पहले इस आदिवासी समुदाय का सामना ब्रिटिश और फ्रांस के सैनिकों से हुआ। और हैरानी की बात तो यह है कि ब्रिटिश और फ्रांस के मॉडर्न सैनिक इस समुदाय से बहुत सारे बुरे तरीके से हार गए। उस वक्त ब्रिटिश और फ्रांस के सैनिकों से लड़ने के लिए इस आदिवासी जनजाति ने 2 अलग अलग आदिवासी जनजाति से हाथ मिलाया था। वैसे तो इस जनजाति में रहने वाले लोग बहुत ही शांति से रहने वाले लोग हैं, लेकिन जब बात उनकी अपनी जिंदगी पर आती है तो वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं। इस समुदाय की सबसे खास बात यह है कि इस समुदाय में सिर्फ पुरुष ही लीडर बन सकता है और उससे भी हैरानी की बात यह है कि लीडर को चुनने का वोट सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही देती हैं और फिर लीडर किसी भी महिला को अपनी पत्नी बना सकता है भले ही वो महिला शादीशुदा ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, में उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो।